आप इसको देख सकते हो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक हिरन बनी हुई है। कर्ल्स वगैरह भी कर दिए हैं मैंने इसके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किरण कोंगा ब्लॉग्स। तो गाइज कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरी फ्रेंड की शादी में। तो अभी वर्णिका आ चुकी है मेरे घर पे और मैंने मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं करी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मैंने सोचा शाम को ही ब्लॉग को स्टार्ट कर लूँगी, 5 बजे से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी वर्णिका तैयार हो रही है, फिर मैं आप लोगों से मिलवा दूँगी और मैं भी तैयार हो रही हूँ, अभी हुई नहीं हूँ। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें 6:30 बजे तक निकलना है, तो 1 घंटा ही है हमारे पास, है ना 1 घंटा ही है हमारे पास। तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, मैडम तो होने भी लग गई, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आप। तो गाइज आप देख सकते हो वर्णिका यहाँ पे तैयार हो रही है और इसने यहाँ पे इतना सारा सामान बिखेर रखा है। ये कभी बोल रही है ये वाला मेकअप कर रही हूँ, कभी बोल रही है वो वाला मेकअप कर रही हूँ। तो हेलो, तो इसके लिए मैंने चाय रखी किचन में, फटाफट से देख के आती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मेरी चाय पक रही है, मैं वर्णिका के लिए फटाफट से चाय बना दे रही हूँ। तो गाइज आप मुझको देख सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने भी कपड़े वपड़े भी नहीं पहने। मैं आपको ना वर्णिका को दिखाती हूँ कितनी चमक रही है। आप इसको देख सकते हो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक हीरोइन बनी हुई है। कर्ल्स वगैरह भी कर दिए हैं मैंने इसके। तो आज इसने स्मोकी आईज बना रखी है अपनी और एक बार घूमिए, मैंने इसके कर्ल्स भी करे हैं तो काफी अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है इसका। गाइज मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने हेयर वगैरह पे कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली है, स्ट्रेट भी नहीं करे इवन मैंने। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा आज का आउटफिट कुछ ऐसा है आप देख सकते हो। और बाहर ना बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, लोग बोलेंगे तो पता नहीं इसको कितनी गर्मी हो रही है, लोग सोचेंगे। सो मैं जैकेट पहन लूंगी यहाँ से, उसके बाद शादी में ऐसे ही थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फोटो वगैरह खींचेंगे, निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हमारा फ्रेंड आ चुका है हमें लेने हमारे घर के बाहर, तो फटाफट से बैठ जाते हैं। मैं एंट्री ले ली थी, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग दहेज लिखवाने चले गए थे, तो ये वर्णिका मेरा और अपने फ्रेंड का और खुद का भी लिखवा रही थी, तीनों का वही कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद हम लोग गए खाना खाने के लिए, तो हमने स्टार्टर वगैरह लिया, उसके बाद हम लोगों ने सीधा डिनर ही किया। तो खाने में भी काफ़ी कुछ था, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो हम लोग ना डिनर करने के बाद अपने फ्रेंड से मिलने चले गए थे, यानी कि ब्राइडल से मिलने चले गए थे। और ना उस बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा और था, ठंड हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चल क्या है वीडियो बनाने, क्योंकि मैं भूल भी गई थी वीडियो बनाने। उसके बाद यहाँ पर ना बारात भी काफ़ी लेट आई, तो मैं और भी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो के थ्रू। तो जो भी हुआ मैंने वही मतलब वीडियो में ले लिया है। तो ये छोटा सा ही ब्लॉग बना है मेरा, तो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था इस ब्लॉग में क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी और बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था और बारात भी काफ़ी लेट पहुंची थी, यानी कि 10:30 बजे बारात पहुंची थी। तो हम लोग ना ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि हम लोग भी 11:45 बजे वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर थी बारात, 1.5 घंटे का रास्ता था। अब आप देख सकते हैं दूल्हे की यहाँ पे एंट्री हो रही है, उसके बाद हम लोग भी यहाँ से निकल गए थे अपने घर के लिए।
तो गाइस 11:15 बज चुके थे और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो हम लोग भी घर के लिए निकल चुके थे क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता वैसे ही, और आप देख रहे होंगे कि रास्ता कितना डेंजर हो रखा है अभी।